वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शिवलिंग मिलने का दावा हुआ है। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहां किसी भी व्यक्ति को जाने ना दें और उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और CRPF को दी गई है। कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। अब चलिए आपको बताते हैं क्या है हिंदू पक्ष का दावा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया लेकिन दावों का तूफान खड़ा हो गया। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी निकाला गया सभी झूम उठे क्योंकि वहां पर 12.8 फीट व्यास का एक शिवलिंग था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। आप खुद सुनिए क्या है हिंदू पक्ष के वकील का दावा। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहां बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई। अब चलिए आपको बताते हैं मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फूला नहीं समा रहा तो मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ मिला ही नहीं जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच कोर्ट ने वहां मस्जिद के आसपास जाने पर रोक लगा दी है। यहां तक कि अगले आदेश तक वजू करने पर भी रोक लगा दी गई है। ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोग ही नमाज के लिए जा सकते हैं। 3 दिन और 10 घंटे में ज्ञानवापी मस्जिद का ये सर्वे पूरा हो गया। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा कल सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी का सच आखिर क्या है। शिवलिंग मिला या नहीं, तहखाने में क्या सबूत मिले, गुंबद की वीडियोग्राफी से क्या मिला, ये सारी सच्चाई रिपोर्ट के बाद कोर्ट बताएगा। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल आज तक।